इस तरह अपने हाथ करने जी दोवें जी, इन्हां हाथां नूं इस तरह तुसीं 50 वारी करना जी। ठीक है जी, उस तो बाद 50 वारी इस तरह जी। उस तो बाद दूसरी साइड जी, इस तरह करन दे नाल तुसीं वेखोगे किन्नी एनर्जी हुंदी है। उस तो बाद जिन्नियां भी आपां नूं कोई पेट दीआं समस्यावां जी, इस तरह जिन्ने भी थोड़े मतलब के भी जिवें शोल्डर वगैरह अपन लत्तां वगैरह दुखदियां जी, ठीक है, उन्हों एनर्जी देगा जी। आ तुसी घरे बैठे करके देखो जी, पूरा एक महीना करो रोज़ सुबह और शाम। उस तो बाद देखो थोड़ा दर्द होएगा, थोड़े गोडे मोडे बिल्कुल सही रहेंगे। इस तरह पा लिया जी, इस तरह पंजा इस तरह कर लिया जी, इनू पूरी तरह इस तरह 1, 2, 3, 4 इस तरह लगातार तुसी इनू घट तो घट 20 वध तो वध 50 वारी कर सकते हो। बस टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है, मैं जस कैमरामैन ओपी बंटू के नाल, तो मेरे वालों आप सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल, उम्मीद करती हाँ ठीक ठाक होवोंगे। तो अज असी थोड़े लिए लैके आए हैं बहुत स्पैशल वीडियो, तो असी खड़े हाँ फरीदकोट शहर के जिते कि नैक्शन एक्यूप्रेशर एडवांस के वलों जिहड़ा कैंप फ्री कैंप लगाया जा रहा है, जिते कि अनेक बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिमें कि गठिया वाह सेहत ना बनना, पत्थरी का दर्द, गोड्या का दर्द, कब्ज, बवासीर, शूगर, ब्लड प्रैशर, अंदरंग पोलियो, गैस, तेजाब, मोटापा, हत्थां पैरां दा सुन्न होना, सर्वाइकल, माइग्रेन, डैक्स, रीढ़ दी हड्डी दा दर्द, औरतां ते मर्दां रोग, मानसिक तनाव, अनेक बीमारियों का इलाज एक्यूप्रैशर की विधि के द्वारा इतने जो इलाज किया जाता है। दिमाग, अदरंग, रीढ़ की हड्डी, नसा के रोगों से असदासन बच्चों के इलाज का खास प्रबंध है। तो तुहानू अंदर जाके दिखाने, काफ़ी पेशेंट है जोड़े इतने पहुँचे ने बिना दवाइया तो जोड़ा इतने एक्यूप्रैशर के नाल जो इलाज किया जाता है। जोड़ा एक्यूप्रैशर है साड़ी बॉडी के उत्ते बहुत ही आसान तरीके जो वर्क करता है। तो चलो तुहानू दिखाने अंदर कैंप, जोड़ा इतने कैंप लग्या है अज फरीदकोट शहर के, जिते कि काफ़ी पेशेंट पहुँचे ने, तो दूर दूर तो डॉक्टर जोड़े इतने पहुँचे ने, तो जाके उन्होंने गलबात करते हैं। अच्छा हाँ जी, तुसी वेख सकते हो कि इतने जो ट्रीटमेंट चल रहा है नैक्शन एक्यूप्रैशर एडवांस जो इतने कैंप लग्या है, तो साढ़े नाल डॉक्टर साहब मौजूद ने, गलबात करते हैं। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, जी मशीन है जिदे थ्रू इन्हों का ट्रीटमेंट हो रहा है, यदा नाम की है? इन्हों से वंडर मशीन कहने के हूँ, यह लगाने का मतलब है भी जो लगाने वाइब्रेट करती है, जो वाइब्रेट करते तो हाथों के पैरों के साढ़े पूरे पॉइंट होंगे, जो पॉइंट करते तो यह सर्कुलेशन सिर तक जाता है। इन्हों बीपी की सॉरी शुगर की प्रॉब्लम सी, तो हूँ जो जो अभी ट्रीटमेंट किया कल इस मशीन से नहीं किया, असी बेड से लटा के हाथों के पैरों के जो पॉइंट से स्टूमिनेट किए, बाकी अपने जबानी दसणगे भी इन्हों कि रिजल्ट मिले उस चीज़ का। हाँ जी, ये तो डॉक्टर साहब ने नाल गलबात की है कि इन्हों शूगर की जी प्रॉब्लम आ, तो इस मशीन के थ्रू जो इन्हों का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो दिमाग तक जोड़ा इन्हों चीज़ जाती है, तो गलबात करते उन्होंने नाल कि उन्होंने किदा महसूस हो रहा है। हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है तुहाडा? बलजीत सिंह जी। हाँ जी, थोड़ा शूगर की प्रॉब्लम सी है ना, तुम अज इतने ट्रीटमेंट लै रहे हो, पहला कितने ट्रीटमेंट लैता है? हाँ जी, पर मेरा 1.5 साल ट्रीटमेंट चल रहा, कोटकपुरा के भी बाघा पुराने भी दवाई ली है मैं, लेकिन मैनू इन्ना कितने महसूस नहीं आया जिन्ना इतने आके अज होया। इतने आके हूँ ना कुछ डॉक्टर साहब के दसन, कुछ इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट लम्मा पा के उत्ती आ, मसाज की आ पैरों के तलिया के उपर, पैरों के उपर, लत्तों के पूरी बाडी से की जानी, उस मसाज करने तो बाद मैं पैदल इतने नंगे पैरी तुरया, और तुरन के नाल मैनू कुछ अगे नालों फर्क महसूस होया, और उस तो बाद मैनू इन्होंने इस मशीन पर बहा के यदा वाइब्रेशन चालू किया, और घट तो घट 15 मिनट मशीन चलती रही है, 15 मिनट तो बाद मैं फर्श से तुरया, तो मैं कुछ फर्क लगा महसूस होया, मतलब हुण वधिया फील कर रही हूँ पहला नालों? वधिया फील करता जी, मैं वधिया फील करता जी, पहला जिवें तुरदा सी, जिवें मैं अज सुबह इत्थे आया, तो जिहड़ी आ सज्जे पैर का खब्बा पासा अद्धा मेरा बिल्कुल सुत्ता सीगा, इन्हां दे मसाज करदे नाल और आ मशीन ते रखण नाल कुछ कुछ मैनू उहदा पता चल रहा इस वक्त।
हाँ जी मैनू बहुत वधिया महसूस होया जी। जिदा कि तुसीं पहला कहा ना तुसीं पहला कि तो ट्रीटमेंट लैता सी तुहानू उदां नहीं फर्क पिया ते तुहानू अज इत्थे पूरा ही फर्क लग रहा। मैनू अज पूरा फर्क लग रहा जी। जिवें कि पहला कि डॉक्टर साहब कोल मैं कोटकपुरा तो कटारिया डॉक्टर हॉस्पिटल आ उत्थे उन्होंने डॉक्टर ने सिर्फ परची कट्टी तो दवा दिती तो इतने इन्होंने मैंने अज तक जो कुछ इन्होंने मैंने गल्लां बातें दसियां जां इन्होंने मेरे नाल कीता जां कुछ मसाज की है मेरी पैरां दी शरीर की इन्ना कुछ किसी डॉक्टर ने नहीं की अज तक केयर नहीं किया। लेकिन इन्होंने फुल बहुत वधिया केयर है इन्हों का और बहुत वधिया इन्होंने मसाज करके मशीन के थ्रू भी इन्होंने बहुत वधिया मैनू स्पॉन्सरशिप दिती इन्होंने। इंग्लिश दवाइया पे आना दवाइया ज्यादा कोई फर्क नहीं इतने तुम आओ इस मेडिकल से इन्होंने बहुत वधिया इतना फर्क मैनू अज पहली बार आने मैनू महसूस हो रहा मेरे। चलो ठीक है ये थोड़ी कुछ ऐसी जड़ी बूटी है मेडिसिन मेडिसिन तो नहीं सी कह सकते जड़ी बूटियाँ ठीक है। डायबोकाट्रस नाभी तेल और ऑयल आल इन वन ऑयल हूँ जो आल इन वन ऑयल है तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है भी आ पंफलेट है जी, जी, पंफलेट का मतलब भी 24 घंटे थोड़े घर एक डॉक्टर मौजूद है जी जी जी। ज़्यादातर की हों जो आप कोई दवाई लैके उन्हें जो कोई पंफलेट निकलता आप सुट दें इस चीज़ को सुटना नहीं है क्योंकि इस तेल के नाल 126 रोगों को घर बैठे ठीक कर सकते हो। ठीक है आल इन वन ऑयल जोड़ा है ये मालिश या मसाज नहीं कर सकते ठीक है। यदि मालिश या मसाज सिर्फ तीन ही जगह होती है या पैर की तली या हाथ की तली या सिर के जरूरत के मुताबिक बाकी जिथे प्रॉब्लम है अप्लाई करो जी जी अप्लाई करो और छड़ दो। ठीक है जी घर के जमदे बच्चे तो लैके बजुर्ग तक तुम किसी भी यह चीज़ लगा सकते हो। उस तो बाद तुम्हें दिता गया जी नाभी तेल साढ़े नाभी के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होंगे 2 बूंदा सुबह 2 शाम 5 साल तो छोटा बच्चा 1 बूंद 5 साल तो बड़ा बच्चा कोई भी हैगा तो उसमें 2 बूंदा पाउनी है। किसी कोई प्रॉब्लम है किसी कोई प्रॉब्लम चाहे नहीं है वह भी इनू पावे 72,000 नाड़ियों के उपर 200 तो ज़्यादा रोगों के ने काम करना है। एक नाभी तेल की शीशी है लगभग एक पेशेंट से 4 महीने चलती है जी जी। उस बाद तुम असी दिता जी डायबोकट इनू शुगर ने तो एक शुगर को कंट्रोल करूगा 2 ढक्कन सुबह खाली पेट 2 ढक्कन शाम को 5 बजे खाली पेट ले लेने कोसे जे पानी जी जी। ठीक है जी और ये लगभग थोड़ा जो ट्रीटमेंट है ये 90 से 120 दिन चलूगा उस तो बाद इस चीज इनू बंद कर दोगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इस चीज़ के कोई बनेज कोई किस चीज़ का बनेज देखो बनेज तो ये है भी तुम जो भी शुगर वाले बंदे वास्ते जो पंजाबी कहें मीठा जहर है उस चीज़ का परहेज रखना है। बाकी तुम दस तुम शुगर हैगी है तुम कोशिश करनी भी ज़्यादा तो ज़्यादा मिट्टी के संपर्क के आना है। ठीक है जी नंगे पैर तुरना पर नंगे पैर तुरन का मतलब इस चीज़ का बचाव रखना पैर के कच या कंडा या इस तरह कोई चीज़ ना बजे तुम्हें क्या भी मैं खेतीबाड़ी में संबंध रखता तो उस खेत जिन्ना भी तुम्हें समा मिलता है चाहे तुम नंगे पैर बैठो या मिट्टी के बचाव पैर दबा के बैठो क्योंकि मिट्टी के अंदर मैगनेट है तो मैगनेट साड़ी बॉडी लिए बहुत ज़्यादा जरूरी जी जी जी। ठीक है जी बाकी फिर भी कोई तुम दिक्कत आए तो तुम नंबर अभी देते हैं तुम नंबर गल। ठीक है हाँ जी हूँ साढ़े नाल एक पेशेंट होर मौजूद ने उन्होंने गलबात करते कि उन्होंने की प्रॉब्लम सी तो इतने आने तो बाद उन्होंने की फर्क महसूस होया। हाँ जी सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम अवतार सिंह साबका सरपंच विलेज गिलानो डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। हाँ जी थोड़ी की प्रॉब्लम सी? मेरी प्रॉब्लम मैं 2-4 थावों तो टेस्ट भी कराया सर्वाइकल भी सी जी मेरी राइट साइड वेंज सी वो ब्लॉकेज दसी तो मैं इतों गुरु साहिब भी गया साधक गया सिविल होस्पिटल भी मैं गया मतलब 2 से 2.5 महीने ट्रीटमेंट चली मेरी पर मैनू नहीं फर्क पिया। फिर मैनू यादविंदर सिंह साधक तो मुंडा वो मिलया उन्होंने कहा भी नैक्सट जन एक्ोप्रैशर सेंटर के लैके चलदा मैं वो मैंने इतने लैके आया तो मेरी तकरीबन 10 से 12 दिन ट्रीटमेंट हुई तो पहले दिन ही वैसे तो फर्क पै गया पर होंदे होंदे इस टाइम मैं कलर लाउंदा सीगा वो भी छड़ दिता तो बहुत वधिया महसूस कर रहा। मैं पब्लिक नूं इह सुनेहा देना चाहुंदा भी जिहड़ी आपां एलोपैथी जां होर किते जांदे आ पर मैं तजर्बा कर चुक्या भी जिन्ना इत्थों फर्क पैंदा इह कुदरत वाला ही आ नैचुरल तरीके नाल जिवें एक्ोप्रैशी आ एक्ोप्रैशर दे नाल नैक्सट जन सेंटर दे विच आ के ठीक हो। पर मेरी एक होर बेनती है मैं पब्लिक नूं इह सुनेहा देना चाहुंदा भी आपां सारा कुछ छड्ड के नैचुरल ढंगे नाल ठीक होना शुरू करिए आपां ते मेरी मीडिया नूं भी गुजारिश आ बेनती है बस ते कार ते दा मैसेज नहीं पहुँचता पर तुसी 1 सेकंड दे विच मैसेज ला सकते हैं मेरी ये तुहानूं बेनती है सेंटर वालियों नहीं जिस तक मैनूं प्रॉब्लम सी पर मेरी कुदरत वालियों इन्हां ने इस ढंग नाल ठीक किया मैं वर्णन नहीं कर सकता तो मैं सारी पब्लिक नूं बेनती करदा भी इत्थे आओ आओ नैचुरल तरीके नाल सेंटर का नाम है नैक्सट जन सेंटर उहदे विच पहुँच के आओ आपां लाभ खटीए कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते एक्ोप्रैशर के नाल ठीक करते हैं
सो जो कोई होर सवाल करना चाहते हैं तो मैं दस सकता पुछ लो कुछ पूछना चाहते। हाँ जी जिदा कि हस्पतालों के जाके है ना आप किन्ने किन्ने पैसे देने दवाइया के तो जो दवाइया अपने शरीर से साइड इफेक्ट भी कर दें इस बैटर है ना आप कुदरत अपनाइए तो बीमारियों तो छुटकारा पाइए। बिल्कुल जी यही गल है जी मैं देखिया भी कुदरत का वासा भी है जो सेंटर चा तो जे मुंडे काम करते डॉक्टर कह लो तो चाहे आप वर्कर कह लिए इन्होंने हाथ से भी कुदरत का दान हैगा दिता हो मैं समझदा आओ आप कुदरत के दान को मनीए ज नैचुरल तरीके नैशजन सेंटर के पहुँच के अपना लाभ उठाइए। मेरी फिर गुजारिश है मीडिया में भी फटाफट गल पहुँचाई जाए तो लोगों का भला किया जाए। बहुत थैंक यू जी। थैंक यू जी धन्यवाद। हाँ जी तो इन्होंने गलबात की है कि इसका मेन मोटिव यही है कहना कि पब्लिक तक ये मैसेज आए कि दवाइया तो छुटकारा पाओ क्योंकि जिहड़ियां दवाइया आ साडे शरीर ते साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कर दियां ने तो इस दे नाल ही क्योंकि जो आप इतने नैक्शन एक्यूप्रेस सेंटर के आने तो जो नैचुरल तरीके ट्रीटमेंट करेंगे तो घर बैठे खुद भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो जेकर सेंटर के नहीं आना तो साढ़े ना डॉक्टर साहब एस पी लद्दड़ वो मौजूद ने तो बाकी जानकारी आप उन्होंने तो लें कि एक्यूप्रेशर साड़ी बॉडी के उत्ते कि काम करता है कि इंस्ट्रूमेंट आप यूज करके जो बीमारियों तो छुटकारा पा सकते हैं। हाँ जी सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल की नाम है तुहाडा? सरबजीत जी। कित्थों आए तुसी? रमाणा जीत सिंह तो। अच्छा तो थोनू की प्रॉब्लम्स ने? मैनू ये प्रॉब्लम सी मेरा एक पासा सारा ही मतलब कि तुरन भी नहीं सकती सी मैं तो भी इस हथ ना बाल्टी भी नहीं चक सकती थी भी आए मैनू लगता सी मैं डिगूंगी जां मैं उन्नी वाट तुर नहीं सकती सी पर अज मैं जो मतलब इत्थे आए हाँ तो मैं बहुत वधिया महसूस हुंदा मैं तुर के भी देखिया। पहला कितों इलाज करवाया? पहला मैं कटारिया हॉस्पिटल चो बहुत इलाज करवाया साल भर दवाई ली है मैं ते फर्क नहीं पिया कोई कोई फर्क नहीं पिया वो दवाई लै लैनी है मैं उहदे नाल भी जो गोली लै लैनी है उहदे नाल दर्दा रुक जांदियां जो नशा लै जांदा फिर हो जांदा उवें तो मतलब कि दर्द मेरे आ पैरां दे दर्द तो हटा ही नहीं सकिया कोई भी मैनूं अज थोड़ा जिहा फील होया भी मैं ठीक हां अगे नाल तो आ मोढ़े का बहुत ज़्यादा सीगा तो यह भी मैं लग्या भी मैं ठीक हाँ। तो पब्लिक नूं की कहना चाहोगे भी नैक्शन एक्यूप्रेशर जिहड़ी थैरेपी है ना ये करवाओ? हाँ जी मैं तो यही कहनी हाँ भी सारे इत्थे आओ भी गोलियां गुलियां च कुछ नहीं रखिया गा मैं तो बहुत खा के देख लिया दवाइया पर मैनू नहीं लग्या गा भी मैं उतों आराम आया मैं इतों हूँ 15 मिनट च मैं बहुत फर्क पैंदा दिन का। हाँ जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक। हाँ जी अज असी तुहानू इत्थे के लाइव दिखाया कि किद्दां किद्दां दे पेशेंट जिहड़े इत्थे पहली बार भी आए ने ते पहला भी काफ़ी बार इत्थे आ चुके ने ते इत्थे आके अपना ट्रीटमेंट करवाया ते बहुत ज़्यादा बैटर फील कर रहे ने तो इन्हां ने तुहानू अपनियां तुसीं अपनी अखां दे नाल वेख सकदे हो कि इन्हां ने खुद अपनी जबान दे नाल दस्सिया है कि इह इत्थे बैटर फील कर रहे ने। वधिया मैं कुछ थानू स्टैप दसन जा रहा जिदे नाल तुसीं एक्यूप्रेशर पॉइंट आपदे एक्टिव करके ये वायरल तो बच सकते हैं तो तुहाडे अंदर एनर्जी भी इन्नी आएगी ना जिन्हें भी वीर भैन बैठे आ ये सारे स्टैप नोट कर लो जी जिस तरह तुसीं देखना जी सब तो पहला जी इस तरह अपने हाथ करने जी दोवें जी इन्हां हत्थां नूं इस तरह तुसीं 50 वारी करना जी ठीक है जी उस तो बाद 50 वारी इस तरह जी उस तो बाद दूसरी साइड जी इस तरह करन दे नाल तुसी वेखोगे किन्नी एनर्जी हुंदी है उस तो बाद आ जिन्नियां भी आपां नूं कोई पेट दीआं समस्यावां जी इस तरह जिन्ने भी तुहाडे मतलब के भी जिवें शोल्डर वगैरह अपनियां लत्तां वगैरह दुखदियां जी ठीक है उहनूं एनर्जी देगा जी आ तुसी घरे बैठे करके देखो जी पूरा एक महीना करो रोज सुबह और शाम उस तो बाद देखो थोड़ा दर्द होएगा थोड़े गोडे मोडे बिल्कुल सही रहेंगे इस तरह पा लिया जी इस तरह पंजा इस तरह कर लिया जी इनू पूरी तरह इस तरह 1 2 3 4 इस तरह लगातार तुसी इनू घट तो घट भी वो 50 वारी कर सकते हो ये तो तुहानू थोड़ा दर्द भी फील होएगा क्योंकि जो थोड़े पॉइंट एक्टिव होंदे आ उहदे नाल थोड़ा दर्द फील हुंदा जी तुसी करके देखो उस तो बाद जी इस तरह नू रब करना हैगा दोनों साइड ते जी तुसी वेखोगे किन्नी एनर्जी फील हुंदी आ तुहाडी बॉडी किन्नी एक्टिव हुंदी आ ते थानू मतलब कि वायरल वूरल पता नहीं लगना किधर चले गए मेरे जी ठीक है जी ये तुसी घरे बैठे करो अपने परिवार नू ते अपने आप नू तंदुरुस्त रखो जी। हाँ जी।
ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹਨਾ, ਲੋਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਸਾਡੇ ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ? देखो जी, यह मैं तुम्हें दिखा सकता है, अपने पूरा शरीर है ना, देखो अपने शरीर से पांच चीज़ा बाहर निकल दिया, दो लत्तां निकल दिया लत्तां आ गई, दो बाहां निकल दिया बाहां आ गई, एक सिर आ गया जी, यानी कि पूरे शरीर को कंट्रोल करने वास्ते अपने हाथों पैरों के दिते है जी। तुम वेख्या होना जी, पहलों वाले समय के आप धरती ना ज़्यादा शो प्राप्त होंगी सी, नंगे पैरी ज़्यादा रेंदे सी, नीचे बजरिया भी चुभदियां सी, एक्टिव रेंदे सी। अज भी तुम गुरुद्वारे मंदिर जाओ तो जो तुम नंगे पैर तुरद हो बड़ी एनर्जी फील होंगी है, तुम एक महीना नंगे पैरी तुर के देख लो कच्ची जगह पर, थानू जड़िया प्रॉब्लम छोटिया मोटिया लगियां पता नहीं लगना किधर गई, मतलब कि एक्यूप्रैशर अपनी बॉडी के अंदर कितने भी आ जी, वो पॉइंट अपने हाथों से पैरों चा आप पॉइंट दबन के नाल बायो एनर्जी वो जी पैदा होंगी, इम्यूनिटी पैदा होंगी, अपनी ही शक्ति उन्होंने मिल जाती है जी, लीक होंगी तो बंदा ठीक हो जाता जी। अच्छा, इस तरह पॉसीबल आ भी जो बंदा घर बैठे भी अपना ट्रीटमेंट करके इदा एनर्जी जी जी शरीर में मिलती है वो आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है जी, सर्वाइकल की इन्नी समस्या फरीदकोट वासियों के जदों के साढ़े तो इतने आने लगे है जी, कोई दस दिन ठीक हो रहा, कोई एक दिन ठीक हो रहा, कोई किसी को पुरानी समस्या किसी को महीना भी लग जाता जी, वो सीटिंगा लेनिया पैंदियां जी, जिस तरह किसी को समस्या हैगा उसके हिसाब नाल मतलब इतने इलाज करते हैं, घर बैठे भी लोग सर्वाइकल का इलाज कर सकते, उसके वास्ते असी एक किट तैयार की है, जिवें दूर बैठे लोग सानू फोन करते हैं जिथे साडा सेंटर नहीं हुंदा, वो दसते भी इतने किवें अपन इलाज करिए, उन्हां वास्ते असी कुछ चीज़ा बनाई हैं, जिवें सर्वाइकल बैल्ट हैगी है जी, इहनू तुसीं गले ते लगा सकते हो, ठीक है जी, दो घंटे सुबह दो घंटे शाम को, ठीक है, इनू ये हैगी मैगनेट माला, ये भी तुसी मंगवा सकते हो, ये माला दे नाल की हैगा, ये भी तुसी जदों इनू नहाना उदो उतार देनी आ, जिन्हू पुरानी तो पुरानी सर्वाइकल आ, देखो घर बैठे लोगों ने साढ़े तो ये चीज़ा ऑर्डर कीतियां, और की हैगा भी एक ये ऑयल हैगा आयुर्वैदिक, ये सब तो वड्डी खासियत आ, इहदी मालिश नहीं करनी बिल्कुल ही, तुहानू मतलब सर्वाइकल की किसी प्रॉब्लम हैगा गर्दन ते लगा के, तो इस तरह पूरी बांह ते इस तरह लगाना, तुसी देखोगे कुछ मिनटों के तुहाडी जिहड़ी स्टिफनेस आ बड़ी दूर हो जाएगी, उस तो बाद की हैगा जी इस तरह जिमी आ, ये भी अं किट के दिने, मान के चलो बिल्कुल कोई कंप्यूटर का सिटिंग जॉब करते इतने मतलब कि काफ़ी खिच जी पैंदी आ, इस तरह इतने बैकसाइड अपने C1 तो लैके C7 तक पॉइंट होंदे आ, उस इस तरह रोल कर लो, जे थोड़े को भी नहीं हैगी मौजूद तो अपने पेन के नाल तुसी कर सकते हो, इहदे नाल भी सार सकते हो, ठीक है जी, ये नाल की है भी थोड़ा सारा देखोगे जी जाम सी गर्दन एकदम थोड़ी हिलनी स्टार्ट हो गई आ, इस तरह मतलब ये बॉल आ जी, जिस तरह हरनिया की प्रॉब्लम आ जाती है, खाना खाने तो पहला 10-15 मिनट इस तरह इनू रब करो, तुसी देखोगे भी हाँ भी जिन्या भी पेट दिया समस्यावं वो सारिया दूर हो जाएगी, ये घर बैठे भी तुसी साडे तो ऑर्डर कर सकते हो मंगवा सकते हो, ये बहुत फायदे आ जी। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨ ਐਡਵਾਂਸ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹਾਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸੀਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ,
तो लोग यदा फायदा लैन। मैं तो यही सब कहांगा भी ये आके एक बार जरूर वेखन भी आप दवाइया भी खा चुके हैं। ठीक है, एक बार ये 5000 साल पुरानी चीज़ आई तो आप विश्वास नहीं कर रहे, 200 साल पुरानी कोई चीज़ आई आप विश्वास करते हैं, असं कहने वे भी करो वे भी करो। मतलब कि रस्ता अपन किधरों मिलता जो रिलीफ मिलती है उधरों अपने आप रस्ते थोड़े मिलते जाएंगे, अगर तुम लोगों को दसते जाओ ये बारे। मतलब बहुत वधिया ये ट्रीटमेंट आ एक्यूप्रेशर, क्योंकि पहले वाले समय के आयुर्वैदिक विधि की होंगी सी, अपने घर के अपना कोई सियाना बजुर्ग होंदा सी कहिंदे सी तेरा मतलब ढिड दुखदा जवैन लै थोड़ा नमक पा दे खा नाल दी नाल पेट दा दर्द दूर हो जांदा सीगा। हल्दी पीण दे नाल आपां हजारा रोग दूर करदे सीगे, निम दे नाल आपां हजारा रोग दूर करदे सी। अज भी निम दी तुसीं पत्तियां लैके आओ जिहनूं खारिश दी प्रॉब्लम हैगी आ उहनूं मतलब कुट लो, तो उहदे विच मतलब कि भी तुसीं पैर रखो थोड़ा जिहा पानी पा के तुहानूं पता लगे किन्नी पुरानी थोड़ी खारिश सारी दूर हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वैदिक दे नाल जुड़ के आपां मतलब कि बहुत लाभ जिहड़ियां चीज़ां रसोई दे विच ही पईआं उहदी तों आपां बहुत फायदा लै सकदे आ। ते एक्यूप्रैशर भी अगर नाल हो जाए तो बीमारी जड़ तों खत्म हो जाएगी जी। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੋਸਟਲੀ ਨੇ ਇਹ? नहीं जी, ये इन्ने महंगे नहीं है, जिस तरह प्लास्टिक बॉल तुसी देख रहे हो 40 तो 50 रुपए की है, भी 40 तो 50 रुपए की है जी। अलग अलग जगह तुसी किट मंगाने जी, वो थानू असी कॉल करो नीचे दिए नंबर पर, असी पूरी किट जिस तरह कहोगे जी सर्वाइकल की किट हैगी किट थानू बना के ही दस देंगे भी इन्नी कॉस्ट कर दी आ। बाकी वर्क किवें करदा मैं सारा कुछ थानू दस ही दिता जी, भी ये पिरामिड शेप जिहड़े डॉट्स लगे हुए आ जे चुभणगे, क्योंकि एक्यूप्रैशर की मीनिंग ही है भी किसी पॉइंट नूं जिसे बिंदु ते प्रैशर एक्यूप्रैशर किसी मेन पॉइंट ते अगर सर्वाइकल का पॉइंट लभ के उत्ते प्रैशर पाउणे आ, अगर तुहानूं सर्वाइकल रहिंदी तां दर्द फील होएगा। इस करके जो साढ़े को जे जिने भी पेशेंट आते असी अज भी थोड़े सामने आए हैं, जो पेट का पॉइंट दबिया बहुत दर्द होया, भैन जी पेट थोड़ा सही है? कहिंदी नहीं पेट सही है, क्या भी इतने दर्द हो रहा थोड़े थोड़ी लीवर वाले पॉइंट से दर्द हो रहा, थोड़े कब्ज़ वाले पॉइंट से यानी कि दर्द हो रहा। मतलब कि उन्होंने पॉइंटा असी एक्टिव करते हैं, असी उन्होंने दसते हैं भी घर भी तुम कि पॉइंट दबा सकते हैं, जे किसी पुरानी प्रॉब्लम आ इतने कुछ सीटिंगा लैके ठीक होंदा साढ़े को जी। ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਆ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਬੈਲਟ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੋਗ ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਦਰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਅਗਰ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹ C1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C7 ਤੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਿਫਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ SP ਲੱਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਾਸ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।